हाथ पकड़ा, नाखून भी आपको चोट भी दिखा देती हूँ, चोट भी आई हुई है मेरी भी काफी सारी, मैं काफी उन्होंने धक्का भी करा हमारा, और भी गिर गए थे लोग भी। मैं स्पीकर साहब से मैं यही कहूंगी कि जब आप सदन में ये है तो बाहर महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, तो आप सबसे निवेदन यही है कि महिलाओं से आप पुलिस कर्मियों से यही कहें कि भाई महिला सुरक्षित रहनी चाहिए। ये देखिए ये नाखून गड़ा हुआ है, ये इधर से चोट आ गई थी और ये इधर से, नहीं नहीं ज्यादा नहीं लेकिन चोट तो है, आपको पता है कि पुलिस कर्मी सदन में महिला सुरक्षित नहीं है पुलिस कर्मियों से, अब बताइए बाहर महिला से क्या सुरक्षित रहेंगी। माननीय प्रतिपक्ष नेता के द्वारा विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 119 के तहत सवाल पूछा गया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो जोगाराम पटेल हैं उनके बेटे को डबल एजी बनाया गया है, ये 12 जिलों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई है, उसके अंदर नियम कानून को ताक में रखकर उनको डबल एजी बनाया गया है, उसके बारे में आज चर्चा थी और उसी के बारे में हम मांग कर रहे थे कि इसमें सदन में हमको व्यवस्था दी जाए, चर्चा कराई जाए, ऐसा क्यों किया गया। और उसी के उपरांत प्रतिपक्ष नेता के बोलते हुए पक्ष के 40-40 विधायक खड़ा होकर प्रतिपक्ष नेता के सामने विरोध करते हैं और जो जो चाहे वो बोलते हैं, और उधर से सामने से हमारा एक सदस्य माननीय सदस्य जो कि मुकेश बाकर है वो कहता है कि हमारे प्रतिपक्ष नेता को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, और आप लोग आसन को भी बोलते हैं कि हमारे आसन की तरफ से संरक्षण मांगते हैं कि आपका संरक्षण हमें चाहिए और इन लोगों को बिठाइए ताकि हमारा प्रतिपक्ष का नेता हमारी बात रख सके, लेकिन उसके उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको निलंबित किया है वो भाकर को, और उधर से उन लोगों का फिर भी निलंबित करने के बाद भी उनका हल्ला चलता रहा, और हम मानते हैं कि ये जो किया है उसमें हम मानते हैं कि ये गलत किया है। और उसके बाद जब उनको बोला गया, पुलिस कर्मियों को बोला गया कि इनको बाहर निकाला जाए, और हम लोग सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, हम सब लोगों के साथ धक्का मुक्की करी है, हम महिलाओं के साथ में महिलाओं की चूड़ियाँ तोड़ दी गई है, और किस तरीके से भाजपा का जो ये चेहरा है नकली चेहरा जो ये देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, बाहर क्या महिलाओं की सुरक्षा हो पाएगी जब सदन के अंदर इस तरीके का बर्ताव इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मैं चाहूंगी कि राजस्थान की सरकार इस बारे में सोचे, विचार करे और इस तरह की घिनौनी हरकतें करने से बाज आए। धन्यवाद। अब हम धरना दे रहे हैं, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी जब तक हम धरने पर रहेंगे, और जब तक सदन चलेगा हम उसी तरीके से धरना करते रहेंगे, रात भर भी यही रहेंगे। मेरी चोटें भी आई हैं, अब मैं आप सबसे ये देखिए ये चूड़ियां हैं, ये सदन में, जब सदन में ये हो रहा है महिलाओं के साथ, एक विधायक के साथ, फिर पब्लिक में क्या हो रहा होगा, महिलाएं आम जनता में क्या हो रहा होगा, कौन सुनवाई करेगा जब सदन में ये हाल, मतलब महिलाओं को धक्का मुक्की कर रहे हैं पुलिस कर्मी, तो सदन में तो बाहर तो कोई सुरक्षित रह नहीं सकती। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया जाए और सुरक्षित रहने के लिए उनका आप सबके निवेदन से महिला सुरक्षित रह सके। देखो जिस प्रकार सरकार के अंदर सदन में अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो एक पक्षीय कार्रवाई की गई, हमारे साथी विधायक मुकेश जी भाकर को निलंबित किया गया, वो एक निंदनीय है, क्योंकि बात हो रही थी जिस प्रकार कानून मंत्री के सुपुत्र को बिना योग्यता के डबल एजी बनाया गया। सरकार आम जनता के हितों के लिए मंती है, लेकिन सदन के अध्यक्ष जवाब सरकार से दिलवाने की बजाय सदन के विपक्ष के एक विधायक को निलंबित करना, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। जिस जनता ने, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने सरकार को आम जन के हित के लिए चुना है, ना कि नेता के सुपुत्रों के हित के लिए चुना है। भाजपा की जो परिपाटी थी, भाजपा के नेता जो कहते थे कि हमें आम जनता के बीच में हम काम करेंगे, लेकिन आप देख रहे हो जिस प्रकार अपने ही मंत्री के सुपुत्र को डबल एजी बनाया जा रहा है और एक विपक्ष पर एक पक्षीय कार्रवाई सदन के अध्यक्ष जी के द्वारा की जा रही है, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। लगातार जब तक नेता प्रतिपक्ष जी का कोई आदेश नहीं आ जाता, निलंबित वापिस नहीं होता, हम सदन के अंदर बैठेंगे। सदन को राजस्थान की तमाम 8 करोड़ की जनता देख रही है कि भाजपा सरकार किस प्रकार कुठाराघात
इस राजस्थान की जनता के साथ कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद। इस तरह से कई बार गतिरोध हुआ है, लेकिन कभी भी इस तरह का गतिरोध नहीं हुआ कि कोई गतिरोध है तो उसको बुला करके बात करे, उसका निपटारा करे। और सिर्फ प्रश्न इतना सा था कि प्रतिपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया उस पर व्यवस्था देने के लिए वो कल का समय दे सकते थे, लेकिन कल का समय देने के बजाय स्थिति ऐसी बना दी कि सदन में गतिरोध हुआ। जो कुछ भी हुआ वो कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकता हम इसे, और ऐसी परंपराएं भी नहीं रही है सदन में। ऐसे कई बार ऐसे गतिरोध हुए हैं, लेकिन हमेशा ये हुआ है कि सदन के जो संरक्षक होते हैं अध्यक्ष महोदय, वो उन्हें बुला करके उनका समाधान निकालते हैं। इस वक्त परंपरा रही है, पहले भी रही है ऐसी परंपरा। कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं कि भाई प्रतिपक्ष ने कोई इश्यू उठाया और उन्होंने जो है वेल में आकर के हल्ला गुल्ला किया, हमेशा होता रहता है। लेकिन परंपरा ये रही है कि अध्यक्ष बुला करके उसका गतिरोध इसको समाप्त करे। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज सदन की गरिमा तार तार हो गई, और जिस तरीके से हमारे एक सदस्य का निलंबन किया गया, मैं समझता हूँ कि ऐसे पिछले 20-25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदस्य अपने अपनी सीट पे खड़ा हो, और ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपनी सीट से कोई भी बात जो वो कहना चाहता है वो कह सके। आज जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आवाज़ उठाई और एक मुद्दा रखा और कानून मंत्री से जवाब मांगा, कानून मंत्री सदन में नहीं थे, और जब हमने इसके जवाब के लिए सरकार पे प्रेशर बनाया और नारेबाजी हो रही थी, ये बात हुई अध्यक्ष महोदय से कि इसमें जवाब आना चाहिए, और अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था के लिए कल पे टाल दिया। हमने उनकी दो बार बात मान करके हम अपनी सीटों पे गए, लेकिन बात अल्टीमेटली यही हुई कि उन्होंने कहा कि हम कल जवाब देंगे। और हमारा रिक्वेस्ट सदन से ये थी कि मामला ऐसा है जिसका जवाब आज ही आना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता से जुड़ा मसला है। मंत्री अपने परिवार में कोई लाभ किसी को नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह की बात पे चर्चा होनी चाहिए और उसका जवाब सरकार से आना चाहिए। सरकार से जवाब आने की बजाय विधानसभा में जो बीजेपी के कुछ लोग हीरालाल सारण वगैरह, वो अपनी सीट से उठ करके और ललकारते हुए सदन में आ गए। उस पर हमारे सदस्य ने अपनी सीट से खड़े होकर के कहा कि आप इनको नहीं देख रहे हो, इधर से श्रीचंद जी कृपलानी उठ करके आ गए, और इसी दरमियान उन्होंने एक निलंबन का प्रस्ताव दिया जिसमें आनंद फानन में गुस्से में अध्यक्ष महोदय ने सदस्य को निलंबन कर दिया, जो हमें ऐसा लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ऐसा हमारी गरिमा ऐसी नहीं है, और इस छोटी सी बात के लिए अगर उनका निलंबन होता है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हमने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम विधानसभा में ही रहेंगे और हम हमारे सदस्य को विधानसभा से बाहर नहीं जाने देंगे। सदस्य के साथ आज पूरे साथी हम विधानसभा के अंदर रुकेंगे और यहीं रुकेंगे, बिल्कुल रात भर यहीं रुकेंगे। इस पे अगर सरकार हमसे कोई चर्चा करती है, कोई बात करती है, निलंबन वापस लेती है, तो हमारे नेता विचार करेंगे, नहीं तो हम रात भर यहीं रुकेंगे, कल भी रुकेंगे, और जब तक इसका डिसीजन नहीं हो जाता तब तक हम विधानसभा में ही रहेंगे, विधानसभा से नहीं।